अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद जो है आप लोगों को ये बताना, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, आया आप चाइना में अप्लाई करें या रशिया में अप्लाई करें, कोरिया में अप्लाई करें, जापान में अप्लाई करें या किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की पे करनी होती है प्रोसेसिंग की, और वहाँ पर चंद ही ऑप्शन होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि वो क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन में ही एंड पे लिंक होता है जहाँ पे आपने क्या करना होता है, ऑनलाइन ही जो है उनको अपनी फ़ीस ट्रांजैक्शन करनी होती है। वहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, जैसा कि पेपाल का होता है, अली पे का होता है, यूनियन पे का होता है, वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये चंद एक जो है ऑप्शन होते हैं, इनके थ्रू आप जो है पेमेंट अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी का कुछ यूनिवर्सिटियों का क्या होता है, जैसा कि चाइना कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होता है बैंक अकाउंट्स नंबर गिवन होते हैं, वो कहते हैं कि आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमें ट्रांजेक्शन स्लिप दिखा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाले ऑप्शन होते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जो पेपाल होता है इसमें पाकिस्तान तो इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब है कि पेपाल के थ्रू हम लोग अपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप पेपाल के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसे एजेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे कुलीग से, ऐसे लोगों से, स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आउट ऑफ पाकिस्तान हो और उनके पास पेपाल के अकाउंट हों, ताकि वो आपकी फ़ीस को ट्रांसफ़र कर सकें। ये ऑप्शन तो गया। इसके बाद है अलीपे। अलीपे क्या है, ये चाइना का है, तो ये उनके, ये तकरीबन चाइना के पास हर किसी के पास ये अकाउंट उनका बना हुआ होता है, स्टूडेंट के पास भी होता है, इसी में उनकी जो है स्टाइफंड वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं इसी अकाउंट में। तो अगर आपका कोई सीनियर है, आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला चाइना में है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो है ना वो आपकी फ़ी पे कर दे। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। उसके बाद यूनियन पे, वीज़ा और मास्टर कार्ड। यूनियन पे भी चाइना का ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड्स का। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। वीज़ा और मास्टर कार्ड आपने, अगर आप अपना एटीएम कार्ड भी देखें तो उसके ऊपर क्या होगा, ये ऑप्शंस होंगे, क्या वो वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। जैसा कि मैं आपको अपना, जब मैंने अपना यहाँ पर देखा तो मेरे पास चंद एक ऑप्शन है, वीज़ा लिखा हुआ है और यूनियन पे भी लिखा हुआ है। मेरे एटीएम कार्ड पर दो ऑप्शन है, एक वीज़ा ऑप्शन है और एक यूनियन पे का ऑप्शन है, लेकिन पैसे ट्रांसफ़र आपके क्रेडिट कार्ड से होंगे। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दोनों डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। जैसा कि आजकल के दौर में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं, लोग यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हो, अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी वीज़ा कार्ड होता है या मास्टर कार्ड होता है। मास्टर कार्ड जैसा कि आपने देखा होगा बैंक ऑफ पंजाब का मोस्टली मास्टर कार्ड होता है, बाकी जो बैंक्स हैं उनका वीज़ा कार्ड भी होता है और दूसरे कार्ड भी होते हैं। फिर बताता चलूँ, जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र होते हैं, सिंपल एटीएम कार्ड से ट्रांसफ़र नहीं होते। और अब क्या हुआ है कि अगर आपका सिंपल एटीएम कार्ड है और अपने आप एटीएम कार्ड से ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप अपने जो अकाउंट है उनकी हेल्प में उनको कॉल करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने जो है फ़ौरन में अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करनी है, फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है, तो काइंडली हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन कर दें। क्योंकि अब जब से सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक्स ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया है, वो बगैर परमिशन के ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करते। तो सबसे आसान तरीका होता है आप क्रेडिट कार्ड के जरिए जो है अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारी फीस ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, कोई कर नहीं पा रहा, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी ट्रांसफ़र कर चुका हूँ क्रेडिट कार्ड के जरिए। अब वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करें, आपको क्रेडिट कार्ड पर जो भी लिखा हुआ है, वीज़ा कार्ड लिखा हुआ है या मास्टर कार्ड लिखा हुआ है, अब वो सिलेक्ट करने के बाद अपना कार्ड नंबर दें और एक कोड वो मांगता है, कोड आप दें, वो आपके कार्ड के बैक साइड पे लिखा हुआ होता है। आप वो कोड देंगे तो वो आपसे क्या करेगा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे को ट्रांसफ़र कर लेगा और ट्रांजैक्शन स्लिप आपके सामने जो है आ जाएगी। और ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ के लिंक होते हैं, लेकिन फिर बताता चलूँ, वो तभी ट्रांसफ़र करेगा जब आप हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन कराओगे, तभी आपके पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसके ऊपर घबराने की बात नहीं। काफ़ी लोगों को मैंने कमेंट्स देखे, उनको प्रॉब्लम आ रही थी फिर ट्रांसफ़र करने में, तो आप जो है इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो मकसद था वो सिंपल यही आप लोगों को बताना था कि आप लोगों ने कैसे अपने फीसिस को ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा वहाँ पर एडमिशन हो सकता है, तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के कैरियर में हेल्प आउट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।